Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 5th. Exercise 4.3. देखिए इसमें डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो 5, 3 ऊपर वाले को ऐड कर लीजिए. 5 और 3 कितना होगा? 8 होगा. 4 और 2, 6 होगा, यानी ये वाला ग्रेटर है. इसमें देखिए 13, 13 सब जगह है. 6 और 7 और 4 और 8, ये 8 और 4, 12 हुआ. और ये 7 और 6, 13 हुआ, तो यानी ये वाला ग्रेटर है. इसी तरीके से 9, 3, 11, 8 और 6, 14 हुआ, तो यानी ये वाला ग्रेटर है. इस तरीके से बाकी क्वेश्चन आप करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3/5 + 7/10. तो सबसे पहले आप 5 और 10 का एलसीएम लीजिए. 5 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 5 ही रहेगा. 5 2, 2 5 ज़ा 10. अब ये 5 से होगा तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यानी एलसीएम कितना हुआ? 5 × 2 यानी 10. तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा? 10 होगा. फिर ऊपर वाला लिखेंगे और 5 का टेबल पढ़ेंगे. 5 2 ज़ा + 7 लिखेंगे और 10 1 ज़ा 10, यानी 3 2 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7/10, 13/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा. इसी तरीके से सी नंबर देखिए, 16/25 + 9/10. अब देखिए नीचे वालों दोनों का जो डिनोमिनेटर है 25 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 5 ज़ा 10, 25 नहीं डिवाइड हो पाएगा. 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. इसी तरीके से फिर से 5 1 ज़ा 5, तो 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50. इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 50. अब 50 जब देखिए 16 लिखेंगे और 25 2 ज़ा यानी 2 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे न्यूमरेटर और 10 का टेबल पढ़ेंगे. 10 5 ज़ा 50, 16 2 ज़ा 32, 9 5 5 ज़ा 45/50. अब दोनों को ऐड कर दीजिए. 5 और 2, 7 हो गया. 5 4 और 3, 7 हो गया. ये हो गया 50, यही हमारा आंसर हुआ. नेक्स्ट देखते हैं ई नंबर, 3/4 + 1/2 + 2/3. अब दो तीनों का इनका एलसीएम लेंगे. 4, 2 और 3. देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 रहेगा, 3 1 ज़ा, तो 4 3 ज़ा 12. इन सब का एलसीएम होगा 12. ऊपर न्यूमरेटर लिखेंगे, 4 3 ज़ा 12 होगा. फिर 1 लिखेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 6 ज़ा 12. फिर 2 लिखेंगे और 3 4 ज़ा, तो इस तरीके से देखिए 3 3 ज़ा 9 हुआ, 6 1 ज़ा 6 हुआ और 2 4 ज़ा 8 हुआ, 12 हुआ. अब इसको ऐड करेंगे, 8 और 6, 14, 14 और 9, 23/12, ये हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, थर्ड का ये 1 होल 1/4 + 3 होल 3/8. इसको ऐड करना है तो 4 1 ज़ा 4 और 1 5/4 + 8 3 ज़ा 24 और 3, 27/8. अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 और 8 का एलसीएम होगा 8. 5 2 ज़ा हो जाएगा. 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 times + 27 × 1, 5 2 ज़ा 10 और 27/8, 37/8 आ जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी देखिए, 3 होल 1/3 + 7 होल 5/6 + 5 होल 1/2. अब इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से बदलेंगे. 3 3 ज़ा 9 1, 10/3 + 6 7 ज़ा 42 और 5, 47/6 + 5 2 ज़ा 10 और 1, 11/2. इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? इन सब का एलसीएम आएगा 6.
तो 10 × 3 2 6 प्लस 47 × 6 1 6 प्लस 11 × 2 3 6। इस तरीके से 10 2 20 और प्लस 47 1 47 11 3 33 अपॉन 6। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 3 7 3 10 3 4 7 7 2 9 और 1 10 100/6। यानी ये हो जाएगा 2 3 6 50 50/3 ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये देखिए, इसमें 35 − 23/4 हो जाएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देखिए, दोनों का एलसीएम सेम होगा और यहाँ हमारे पास कितना है, 43 − 32/4। तो 35 में से 23 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, 3 में से 1 12 आएगा, इधर 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, तो यानी ये वाला ग्रेटर है। ठीक, इसी तरीके से बी नंबर देखिए, 11 − 9, तो 11 में से 9 जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 11 में से 9 जाएगा 2 आएगा, ये 2 होगा और ये कितना होगा, 18 में से 5 जाएगा, तो यानी ये 13 आएगा, यानी 13/13, तो यानी ये वाला ग्रेटर होगा। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का है, 7/10 − 5/12। तो देखिए इसमें एलसीएम लेंगे, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो देखिए क्या होगा, 2 5 10 2 6 12 5 2 3 3 से 3 1 यहाँ 5 बचा, 5 1 5। तो देखिए 5 3 15 15 4 60 एलसीएम कितना हो गया, 60। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 60। अब हम क्या करेंगे, देखिए 7 × 10 6 60 −5 × 12 5 42, 7 6 42 5 5 25 5 60। तो इसमें क्या आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 17/60 ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर ई नंबर देखिए, 20/21 −11/14। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 21 का और 14 का डिनोमिनेटर का, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से, पहले तो 2 से डिवाइड होगा, 2 7 14 और 21 तो होगा नहीं, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 7 1 तो देखिए 42 हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 42। तो 20 लिखेंगे ऊपर वाला, 21 का टेबल पढ़ेंगे, एक 21 2 और ये −11 × 14 3 सॉरी हाँ 14 3 42 14 3 42। आप देखिए क्या हो जाएगा, 22 40 प्लस −11 3 33 42। 10 में से 3 जाएगा 7, 3 में से 3 यानी 0/1/6 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 4√2/9 −3√2/11। अब इसको देखिए क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, 9 2 9 4 36 और 2 38 / 9 −11 3 33 और 2 35 / 11। अब इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे,
तो ये आएगा 99। तो 38 इंटू 11 माइनस 35 इंटू 9, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 418 आएगा। 11 एट जा 11, 11 थ्री जा 33 और 10 30 और 8 हो जाएगा 41 माइनस ना है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 315 आएगा अपन 99। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा, 41 में से 30 बन जाएगा तो 10 आएगा, 103 अपन 99 ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 6 माइनस 15 अपॉन 4, तो इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा 4, ये 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 और माइनस 15, तो 24 में से 15 जाएगा 9 अपॉन 4, तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए का। ई नंबर देखिए 7 माइनस 4 होल 3 अपॉन 4, तो देखिए 7 माइनस 4 4 जा 16 और 3 19 अपॉन 4। एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 4, इन दोनों का एलसीएम होगा 4, 28 4 7 जा 28 माइनस 19, ये भी 9 अपॉन 4 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए देखिए, 9 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 8, इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 10 5 और 8 का, तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 2 जा यहाँ 5 ही रहेगा, फिर 2 से और एक बार जाएगा 5 5 ही आएगा, 5 से 5 1 जा 5, तो 8 5 जा 40, एलसीएम कितना होगा 40, तो इसका एलसीएम कितना होगा 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 4 जा 40 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 8 जा यानी 3 8 जा प्लस 7 8 5 जा, तो ये हो जाएगा इस अपॉन 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 9 4 जा 36 माइनस 24 और प्लस 35 अपॉन 40, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 71, इसको ऐड करेंगे 71 माइनस 24 अपॉन 40, तो ये कितना आ जाएगा 47 अपॉन 40, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9 का ये, सुमन क्या करती है, सुमन एड्स 5 अपॉन 9 1 ऑफ एप्पल जूस टू 7 अपॉन 9 1 ऑफ ऑरेंज जूस टू मेक फ्रूट जूस बनाने के लिए, तो बताइए टोटल कितना जूस होगा उसमें, देखते हैं। ये लीटर है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 अपॉन 9 प्लस 7 अपॉन 9, 9 तो सेम ही रहेगा और 5 और 7 12 अपॉन 9, यही हमारा आंसर होगा। और इसको कट भी कर सकते हैं आंसर, जैसे 3 4 जा 3 3 जा 4 अपॉन 3 लीटर। बाकी क्वेश्चन आप
कोशिश करिएगा, अगले पार्ट में मैं बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।